3, 2, 1. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिन के बाद वीडियो डाला है, लेकिन चलो मैं अभी जा रहा हूँ घूमने के लिए कहीं बाहर, तो वो आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये साथ में जा रहा है भाई है, ये बैग पैक हो चुका है। कहाँ जा रहा हूँ वो आपको रास्ते में बताऊंगा, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, सामान सब ले लिया है, अब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो बता रहा हूँ, हम लोग जा रहे हैं गोवा के लिए। गोवा बहुत दिन से सपना था गोवा जाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बैंगलोर आया हूँ, तो बैंगलोर से बहुत पास पड़ता है गोवा, तो गोवा जा रहे हैं। चलिए आपको सब कुछ दिखाएंगे, गोवा में कैसे होटल मिलते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ है, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस, 12 बजे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैटर हो गया, ट्रेन आया ही नहीं। और टिकट कटा चुका हूँ, लेकिन ट्रेन नहीं आया। और 3 बजे ट्रेन है, और अब दिखा रहा है 2 बजे यहाँ का लोकल ट्रेन जो है, जो जाता है यशवंतपुर, वो आपको मिलेगा 1:45 में। तो मैं यहाँ था सोलदे वन हल्ली, यहाँ पे एक जगह है, तो वो यशवंतपुर ले जाता है लोकल ट्रेन, बट वो 3 बजे पहुँचाएगा, 3 बजे हमारा ट्रेन है। तो अभी जा रहे हैं कैब करने, तो उधर जाएंगे। तो गाइस, ना ट्रेन मिला, ना बस मिला, कुछ भी नहीं मिला। लास्ट में उबर बुक किया है, उबर ऑटो, तो अब जाएंगे यशवंतपुर। बहुत देर हो गया है, 1 घंटा और बचा है, जल्दी पहुँचना है, तो लास्ट ऑप्शन यही था। ऑटो पे बैठ चुके हैं, ऑटो से जा रहे हैं, ना बस मिला ना ट्रेन। लास्ट में ऊबर बनी थी 100 रुपये, उसी से बुक किया और अब जा रहे हैं यशवंतपुर। चलो चलो। You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number. तो गाइस, पूरा भीग चुके हैं हम लोग, मतलब वो तो नहीं भीगा, जींस भीग चुका है। क्या बताऊँ, आज का दिन ही खराब है। पहले ट्रेन नहीं मिला, फिर बस नहीं मिला संडे की वजह से, फिर उबर कैब किया, उबर ऑटो किया सॉरी, तो उसके बाद फिर पूरा बारिश होने लगा। और जब बारिश हुई तो हम लोग कहीं छुप गए। अब टाइम बचा है 15 मिनट, तो जैसे तैसे हम लोग फाइनली स्टेशन पहुंच ही गए। चलो अब जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा साउथ वेस्टर्न रेलवे। You've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. तो गाइस, फाइनली हम लोग वास्को द गामा जंक्शन पहुंच चुके हैं। बहुत टाइम लगा, ट्रेन वाला बहुत डिले किया, लेकिन फाइनली आ गए हैं। और अब देखते हैं, आगे जाते हैं, स्कूटी लेते हैं, स्कूटी का क्या रेट है वो आपको बताएंगे, और कौन सा होटल लेंगे, होटल का क्या रेट है वो आपको बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहें, आगे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये वाली बाइक सेलेक्ट किया है, 300 रुपीज़ पर डे दे रहे हैं, तो उतना कोई बुरा नहीं है, ठीक है, 4 दिन के लिए बुक किया है। तो अभी लेते हैं और जल्दी से निकलते हैं, कुछ खाने, बहुत भूख लग रहा है। तो गाइस, गाड़ी बुक कर चुके हैं हम लोग, चला रहा है बाइक, बहुत अच्छा लग रहा है। अब कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी बीच में जा सकते हैं, कोई ओला, कोई बाइक, कोई टैक्सी की ज़रूरत नहीं है। इसका सिर्फ प्राइस जो पड़ा है, सिर्फ 300 पर डे है। 300 पर डे कोई बड़ी बात नहीं है, 3 दिन का लगा है, 500 डिपॉजिट मनी। तो चलो अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगा है, और उससे पहले पेट्रोल लेंगे, पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो पेट्रोल कम पे आ चुके हैं, पेट्रोल ले रहे हैं हम, 400 का ज़्यादा नहीं, अच्छा है, 95 रुपये लीटर पेट्रोल है, ज़्यादा नहीं है, कम ही है।
जैसे कि टपड़ी पे टी ब्रेक के लिए रुके हैं। देखिए यही हमारा गाड़ी है, सामान सब रखा हुआ है। तो बहुत सर बट दर्द कर रहा था तो टी ब्रेक के लिए रुके हैं, अभी आगे चलते हैं। गोवा का खूबी क्या ही बताऊँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार दिल लग चुका है गोवा से। देखिए गाड़ी चला रहा है, ब्लॉगिंग शूट कर रहा है। चलिए आप देखते हैं, कुछ खाया नहीं है अभी तक, बस चाय पी है, अभी खाएंगे। कुछ भी नहीं मिल रहा अभी, हाईवे बस चले जा रहे हैं, बस खाना मिलेगा तो रोक के बस खाएंगे, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नवरत्ना साउथ इंडियन उडुपी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। तो यहाँ अब हम लोग खाएंगे, बहुत भूख लग रहा है। रात में वही चिप्स वगैरह खाया था और वड़ा खाया था, अभी बहुत भूख लग रहा है तो रास्ते में ये होटल मिला है, तो अब खाते हैं और उसके बाद अपने होटल जाएंगे। होटल हमारा कैलंगूटे में है, वहाँ का प्राइसिंग वो सब कुछ दिखाऊँगा, अंदर का कैसा होटल लिया है हमने। तो गाइस खाना आ चुका है, खाएंगे, बहुत भूख लग रहा है, तो अब खा के डायरेक्ट होटल चलते हैं, होटल में मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस खाना खा लिया है और अब गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, मतलब गाड़ी मैं चलाऊंगा, हेलमेट ठीक है, सेफ है, उड़ेगा नहीं हेलमेट। तो चलो चलते हैं। तो गाइज यही है हमारा होटल रिजॉर्ट कैंडोलिन सैंड, अगर आपको एड्रेस देखना है तो एड्रेस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। अभी ऊपर का और रिनोवेशन हो रहा है, बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और स्विमिंग पूल अच्छा, रूम्स स्टाफ सब कुछ बेटर है। तो गाइज यही हमारा होटल का रूम, अंदर चलते हैं, सब चीज़ ऑन है। तो गाइज यही है हमारा होटल, ये देखिए रूम ठीक है, ये टी शर्ट बना हुआ है टॉवल का, रूम अच्छा है, सही है, एसी वगैरह चालू है, सोफ़ा, ये मेरा बैग और ये मतलब टेबल वगैरह है, और अंदर बाथरूम है वो भाई क्या है, फिर मिरर, और यहाँ पे एक और चीज़ है गाइज, यहाँ पे एक मिनी फ्रिज भी है, इसमें आप पानी रख सकते हैं, इसमें आप आराम से मस्ती कर सकते हैं, और अंदर में लाइट दिया हुआ है जिसमें आप आराम से कपड़े निकाल के सामान देख सकते हैं। तो फिर और इधर जो है वो बालकनी है, ज़्यादा बड़ा बालकनी नहीं है, ठीक है, बैठ नहीं सकते लेकिन यहाँ पे आके खड़े होकर देख सकते हैं, और यहाँ पे अपना स्कूटी वगैरह सब लगा दिया है, और सामने में रोड है, तो रोड है तो आपको दिक्कत मतलब दिक्कत नहीं होगी। और इसका जो प्राइस है वो 1500 है, 1500 मतलब एक दिन का, वो थोड़ा बहुत मतलब अप्स एंड डाउन होता रहता है, वो सीज़न के हिसाब से अप्स एंड डाउन होता रहता है। और इसके जो बैक साइड में है वो पूल है, स्विमिंग पूल, बहुत अच्छा पूल है, और लेकिन बैक साइड का अभी नहीं दिखा सकता, अभी तो बहुत थक गया हूँ, अभी सोऊंगा, शाम में जाऊंगा स्विमिंग करने स्विमिंग पूल में, तो वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी व्लॉग बंद करते हैं और शाम में चलते हैं, बीच जाएंगे या पूल जाएंगे, जो भी जाएंगे आपको दिखाएंगे, सो तब तक के लिए बने रहें। तो गाइस सो के उठ चुका हूँ, अब रेडी हो चुका हूँ, जा रहा हूँ थोड़ा स्विमिंग पूल में देखता हूँ, थोड़ा मज़े करता हूँ, आया हूँ तो सोने थोड़ी आया हूँ, मतलब सोया था एक घंटे में, उठ गया पावर नैप लिया था, तो अब जाएंगे स्विमिंग पूल। रेडी हो चुका हूँ, ड्रेसअप हो चुका है, अब जाएंगे पानी में डुबकी मारने। तो गाइस स्विमिंग पूल के पास आ चुके हैं, और ये थोड़ा गाना बज रहा है उसको अवॉइड करना। तो ये देखो यार बहुत मस्त स्विमिंग पूल है, मैं आप पूरा फुल ओवरव्यू देता हूँ। Drowning in my mind, no one to let
गाइस स्विमिंग पूल में आ चुका हूँ मैं, पूरा डुबकी का वीडियो आपको दिखाऊंगा। मज़ा आ गया, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है, मतलब एक अलग वाइब आ रहा है कि स्विमिंग पूल में अपना ये रिजॉर्ट में नहाने का, मतलब सब कुछ अलग वाइब है। और बिल्कुल अकेले हैं, कोई भी नहीं है, अभी वो जो मेरा साथी है वो गया है कपड़े चेंज करने, वो आएगा तो फिर वो भी नहाएगा। हो गया। Hey guys, बहुत मजा आ रहा है, आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत आ रहा है। अभी मेरा भाई उतरेगा तो अभी दिखाता हूँ, बाकी मुझे तैरना नहीं आता है, लेकिन कोशिश तो यही है कि कुछ भी नहीं आता। तो गाइस अब मैं तैरने जा रहा हूँ, देखो मैं कैसे तैरता हूँ। बहुत बढ़िया, मैं ऐसे तैरूंगा। कैसा तैरा? अब वापस आ रहा हूँ। आ गया ना, मैं बहुत अच्छा तैरता हूँ, तुम्हें भी सिखाऊंगा, आ जाना। हमको भी सिखा दो यार, हमको तो तैरना भी नहीं आता। अरे मेरा बॉडी को दिखाओ, मैं तो बॉडी को, बॉडी बन जाता है स्विमिंग करने से। अब भूख काफ़ी लग जाती है। हाँ अभी खाऊंगा। हाँ अच्छा है भाई, सर आपको ही बनाना है। आओ इधर इधर, अरे आओ ना इधर। गाइस अभी मैं चैलेंज करूंगा कि सबसे देर पानी में कौन रह सकता है। आ जो भी आ और नखरे इसके, आओ। तो चैलेंज ये है, बार करो कॉपीराइट लग जाएगा, मोबाइल रखो उधर। सॉरी, चश्मा रख क्या ना। अरे कॉपीराइट, पहले भी इंडिया गाना बजा दिया। आओ तो गाइस हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं। कौन सा चैलेंज? पानी में सबसे ज्यादा देर कौन रह सकता है। ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं, 3, 2, 1। आप बताइए कौन ज्यादा देर तक है, कमेंट कीजिए। गेम ही नहीं हुआ है अभी, हम रेडी नहीं थे गाइस। क्या नहीं? क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल जाके इलाज करो, रेडी है और आप लोग कमेंट कीजिए। चलो ठीक है, ये चैलेंज तो ऑलवेज मैं जीतूंगा, इसे आता नहीं है पानी में तैरना। सो ठीक है अब चलते हैं बीच में। तो गाइस हो गया हूँ नहा के रेडी, तो अभी जा रहा हूँ कैंडोलिन बीच या बागा बीच या फिर वही जो कैलंगोटे बीच, कोई सा भी बीच जाऊँगा, अभी जा रहा हूँ। तो चले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलो गाइस खाना खा लिया है, एकदम पेट भर गया, मज़ा आ गया। आप जा रहे हैं कौन सा बीच है? कैलंगोटे। कैलंगोटे बीच, तो उससे पहले बहुत सारा मार्केट है, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सब बोर्ड, खाने का सामान, कपड़े की दुकान, हैट की दुकान, और ये बोर्ड्स वगैरह, चश्मे, टोपी, कैप, मतलब सारा कुछ है इधर। टैटूज यहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे फूल बत्ती वाले, जिसे आप पहन के शो ऑफ कर सकते हो कि हाँ मैं दिल्ली वाला हूँ। यहाँ पे आपको करने का पैकेज मिलता है, हर जगह है जाएगा। और इधर सारा मतलब फुल मार्केट है, ये देखो 100 का 250 का शर्ट है, और भी हर तरह का शर्ट है, सुपरवाइजर है 150, मतलब पूरा मार्केट है। अब हम लोग पार्किंग लगाएंगे, पार्किंग लगा के जाएंगे बीच पे। चलो तो गाइस हम कैलंगुटे बीच आ चुके हैं, मेरे आंखों के जस्ट सामने है समुंदर, पहली बार समुंदर देख रहा हूँ मैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मतलब बहुत खुशी हो रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसा सीन है, कैसा बीच है ये कैलंगुटे बीच। ये रेत यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस ये देखो समुंदर, और पूरा वेव आ रहा है, आपको दिखाता हूँ कैमरा। पूरा भीड़ है और इधर पूरा समुंदर, पूरा वेव आ रहा है, मतलब अलग वाइब है।
फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इधर बीच की तरफ और अलग लेवल का वाइब आ रहा है। अभी पानी में नहीं जा रहा हूँ, शायद नहीं जाऊँ, इधर ही रहूँगा, तो आप लोग मज़े करो। तो गाइस हम जा रहे हैं थोड़ा पानी में, ये वेव देख लो, ये वेव आपको पानी में वो नहीं आ रहा है, उसको पानी में पता नहीं डर लग रहा है क्या लग रहा है, बट मैं पूरा कपड़ा नहीं भिगा रहा हूँ, बस पैर पर भिगा रहा हूँ। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। यहाँ का बीच भी बोल रहा है सब्सक्राइब करने मेरे चैनल, तो अब तो ग्रो कर दो ना। सारे सब्सक्राइब पे पानी फिर चुका है, क्या यार क्या कर दिया, क्या कर रहे हो तुम? ये देखिए इंसान बना रहे थे, इंसान मिट्टी मिल जाता। गाइस एक प्रॉब्लम हो गया है, 1 जून से यहाँ सारा एक्टिविटी वाटर एक्टिविटी बंद कर दिया है, बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्यों यहाँ कोई वाटर एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ पता नहीं कांड हो गया क्या हो गया, 1 जून से सारा वाटर एक्टिविटी बंद कर दिया गया है। वही मैं सोच रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि वाटर एक्टिविटी कुछ करूँगा, लेकिन वो बोल रहा है कि सब कुछ बंद हो गया, वो बैठने दिया जा रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो भी बैठने नहीं दिया जा रहा। अब कब तक नहीं दिया जा रहा वो पता नहीं यार, इस बार बात मानने वाले हम लोग, हम लोग तो जाएंगे। तो वाटर स्पोर्ट्स करना था ना यार, अगले दूसरे बीच में, दूसरे बीच कहीं नहीं बोला कि बैठने भी नहीं देंगे, दूसरे बीच पे तो बैठने भी नहीं, यहाँ तो बैठने भी दे रहे हैं, बोले पूरा खाली है एकदम, हम जाएंगे देखते हैं, अगर जुगाड़ लगता है जाते हैं, नहीं तो फिर यही देख के काम लगाते हैं। तो गाइस एक बंदे से पूछा कि क्यों बंद हुआ था, मतलब जो चलाता है यहाँ का क्यों बंद हो गया, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो चलाता है उनसे पूछा कि क्यों बंद हो गया, तो बोला कि मानसून के वजह से बंद हुआ है, कोई कांड वगैरह नहीं हुआ, हाई टाइड्स की वजह से बंद कर दिया जाता है, हर साल बंद कर दिया जाता है, और अभी एक महीने के बाद या मानसून के बाद जब टाइड्स जो है वो कम हो जाएंगे, जब टाइड्स कम हो जाएंगे तब आप कर सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बैड लक, बस यही देख के काम चलाना पड़ेगा। अभी मत आओ गोवा आप लोग, सितंबर अक्टूबर में मानसून में बिल्कुल मत आना, चप्पल नहीं दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ मत आना, ठीक है गाइस? पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन वहाँ पे देखो एक आदमी है, पता नहीं वो फंस गया है क्या हो गया है, वो इतना दूर चला गया है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो मतलब लड़ रहा है इस समुंदर से, आना चाह रहा है या नहीं आना चाह रहा है, वो पीछे चला जा रहा है आगे, पता नहीं क्या है, रुक जाओ देखता हूँ, वो फंस चुका है लगता है, ये देखो दूर 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 देखो उसको लगा, अब वो फिर पीछे चला जाएगा। अरे यार लाइफ गार्ड को बुलाओ, आगे देखते हैं वो क्या है, आएगा तो बताऊंगा आपको। तो गाइस वो डूबा नहीं था, वो जानबूझ के उधर गया था, वो मज़ा ले रहा है ज़िंदगी से, ऐसे मज़े आप लोग लेते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि लाइफ अनमोल होती है, ऐसा करेंगे तो क्या फ़ायदा, किसी के बेटे हो आप, किसी के भाई हो, ज़िंदगी से चला जाना सही नहीं है ना। तो ये लहर का मज़ा ले रहा था, बहुत दूर जाके लहर के सहारे से वापस आ गया, ठीक है भाई देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, पूरा भीग गया, कहा नहीं पता कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, अब्बा क्या जा रहा है भाई, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो गाइस आज लास्ट बागा बीच आए हैं, अब बागा बीच में टीटोज लैन था, और यहाँ पे थोड़ा बहुत बीच पे पार्टी चल रही है, पार्टी नहीं मतलब अपना जो लोग मतलब खाना है पीना है वो लोग करते हैं। ये मैंने लिया बस ये ग्लोइंग लाइट, 10 रुपए का है, अभी का माहौल अच्छा लग रहा है,
रात में वो जाने नहीं देंगे पानी की तरफ, बस इतना मतलब पानी की तरफ जा सकते हैं लेकिन पानी में जाना रिस्क है थोड़ा, तो अभी नहीं जा सकते। गाइस दिस इज द मार्केट प्लेस ऑफ गोवा। अगर आप कुछ भी एंटीक यूनिक चीज़ खरीदना चाहते हो तो इस जगह से खरीद सकते हो, ये बागा बीच के काफ़ी करीब है। एंटिक स्टोर सारा चीज़ तो ठीक है, मूर्ति नटराज का हर तरह का मूर्ति है, हनुमान जी का हर तरह का, मतलब इयर रिंग्स है, की रिंग्स है, इधर लॉकेट्स वगैरह है, ये पर्सेस, साइड बैग्स, मतलब यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, घर ले जा सकते हो, थोड़ा अलग यूनिक हटके है, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स, ये सब, ये रिंग्स वगैरह, ठीक है, ले सकते हो ये सब। गाइस हो गया, अब हम लोग घर जा रहे हैं, ये रोड को पकड़ के बहुत थक गए हैं, अब घर जाके ब्लॉग एंड करेंगे। होटल वापस आ चुके हैं, बीच घूम के बहुत मज़ा आया, बहुत थक गया, सबका तो प्राइस बता ही चुका हूँ आपको, बाकी अब जो होगा नेक्स्ट डे घूमेंगे, अभी बहुत थक गया हूँ, अब चला सोने। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं डे टू में, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत यार, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, चलो बाय। You've been shattered, you've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like